नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन सिंह रावत और आज की जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो मैं लेके आया हूँ छाछ पे कि हम छाछ कैसे बनाते हैं और मक्खन कैसे निकालते हैं। अगर मैं पहाड़ी लैंग्वेज में बोलूँ तो हम कैसी छाँ बनानूँ और कैसी नोयर निकालूँ और बात कैसी घेवा हम बनानूँ। तो दगड़ियों पूरे वीडियो में बनी रहिए और देखो कि हम पहाड़ में कैसी छाँ कही जी और कैसी नोयर निकाली जी। दोस्तों यह रॉड है और यह बांस का बना हुआ होता है। इस पे चार पंख होते हैं और बीच में रस्सी बंधी होती है, उस पे दो गुटके लगे हुए होते हैं ताकि जो छां करे वो उस गुटकों को पकड़ के रस्सी खींच सके। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें हमने रॉड डाल दिया है दही में, ये स्टील का डेग है, इसमें हमने दही रखी हुई है और रॉड डाल दिया है। इस रॉड पे दो रस्सियां लगती हैं, एक ऊपर साइड में और एक थोड़ा बॉटम साइड में, नीचे साइड में। तो ये रॉड में बैलेंस बनाने का काम करती है क्योंकि हम बीच में से रॉड की रस्सियों को, जो गुटके हैं उनको खींचेंगे तो रॉड का बैलेंस बना रहेगा और रॉड के जो दोनों सिरे हैं उन वो अपनी जगह पे स्थिर रहेंगे। तो इस तरीके से देखिए, हम एक ऊपर हमने रस्सी लगा दी है और एक नीचे, अब हम रस्सी खींच रहे हैं तो इस तरीके से ये छांव होती है। अगर मैं आधुनिक समय की बात करूं तो आजकल बहुत सारे गांव में भी बहुत सारे लोग मदानी का यूज़ करने लग गए हैं। तो मदानी में तो नॉर्मल सा बटन ऑन करो वो छाँव होने लगती है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक उसकी बात करो, हम पहाड़ी अपने पुराने जो हमारे पूर्वज जिस तरीके से किया करते थे या आज भी जिस तरीके से पुराने उसमें प्रचलन में जो छाँव की जाती है वो उसका प्रचलन यही है, इसी तरीके से हमारे पहाड़ों में छाँव करते हैं। तो दोस्तों ये इसका एक बैलेंस बनाना होता है, यानी छाँ दही अगर ज़्यादा ठंडी होगी तो उसमें थोड़ा सा गर्म पानी आपको मिक्स करना पड़ता है। ज़्यादा गर्म पानी डालोगे जो उसमें मक्खन होगा वो पिघल जाएगा। तो बैलेंस इस तरीके से बनाना होता है कि ना बिल्कुल ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, और इसको इस तरीके से आपको कम से कम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक ऐसे फानते रहना है, यानी छाँ करते रहनी है। 15-20 मिनट ऐसे ही फानने के बाद क्या होगा, जो मक्खन होगा वो उसके ऊपरी स्तर पे आने लग जाएगा और जो रॉड है उस पर भी उसके जो पंख हैं उन पे चिपकने लग जाएगा, और जो मट्ठा होगा वो मक्खन से नीचे, यानी ऊपर मक्खन और उसके नीचे मट्ठा दिखाई देगा। दोस्तों 15 से 20 मिनट हो गए हैं और जो मक्खन है ये आप देख सकते हैं उसके ऊपरी सतह पे आने लग गया है, और अब हम इसको सपक दे रहे हैं। सपक यानी एक एक उससे, जैसे ये कर रहे हैं हम वीडियो में इसी तरीके से। उससे क्या होता है, जो मक्खन होता है वो एक जगह सिमट सा जाता है। ये देखिए, इस तरीके से करके हम मक्खन को एक जगह सिमट लेते हैं। अब एक जगह सिमट गया है, या आप देखेंगे अगर मैं रॉड को या उसके पंखों को इधर उधर हिलाऊंगा तो वो मक्खन भी इधर उधर हिलेगा चिपके। ये देखिए, इसका चिपक के जा रहा है, यानी अब हमारी छां मट्ठा बन के तैयार हो गया है, हमारा मक्खन निकल गया है और अब हम इसको निकालेंगे। दोस्तों हमारी छां हो गई है और ये हमने मक्खन निकाल लिया है, यानी अगर मैं पहाड़ी भाषा में बोलूँ तो ये हम नोयड़े निकाल लिए। और इसके बाद हम अगला जो वीडियो लेके आएंगे वो लेके आएंगे मक्खन से घी बनाने की, यानी देसी घी हम कैसे बनाते हैं उस पर पूरा वीडियो होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।